भारत बने, जहां आज इस कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ हुआ है और बाल वाटिका में जिन उद्देश्यों के लिए आज नई शिक्षा नीति और ये कार्यक्रम चले हैं उसमें हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनें, उनका भी आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ती सभी बहनें, उनका भी विशेष योगदान होना चाहिए, उनका भी विशेष योगदान हमेशा से रहा है। शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग का दोनों का चोली दामन का साथ है। दोनों विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के लिए एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करने वाले इन विभागों के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं या केंद्र सरकार से जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उन सब का निश्चित रूप से परिणाम दिखना चाहिए, उनके परिणाम आने चाहिए। अन्यथा कई बार हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम करते हैं और उसके आउटपुट नहीं आते हैं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत परिश्रम से काम किया है और इस राज्य ने प्राथमिक शिक्षा के प्रति, बाल विकास तथा बाल विकास के प्रति प्राथमिक शिक्षा को धरातल पर उतारने का जो भी प्रयास किया गया है वो सराहनीय है और भविष्य में और ज्यादा मजबूती से और दृढ़ता से और परिश्रम से इसको धरातल पर उतारना चाहिए। साथ ही मैं आज समस्त अभियुक्ताओं से आह्वान करता हूं कि कार्यक्रम के हितधारक होने के नाते, यानी कि स्टेक होल्डर होने के नाते, जो भी आज हमारे वर्चुअल इससे जुड़े हुए हैं या यहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी यह दायित्व है कि वो नई शिक्षा नीति में अपने उत्तरदायित्व को निर्धारित करें और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उस सोच के अनुरूप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जो हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जो पठन पाठन किया जा रहा है उसमें अपना दायित्व निर्धारित कर अपना योगदान देंगे तो निश्चित रूप से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, बच्चों के नवाचार से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो साकार रूप लेंगी। भाइयों बहनों, चूंकि बाल वाटिका आज शुरू हो गई है, नई शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है, अभी दो दिन पहले इसके बारे में हमारे अभी संचालक जी कह रहे थे कि एक कार्यक्रम हमारे मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया था और जिसमें मोदी एंड 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक, उसका उत्तराखंड में विमोचन हुआ और उस विमोचन के कार्यक्रम में बहुत सारे महानुभाव, बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे अनेकों क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो ये पुस्तक निश्चित रूप से एक अद्भुत पुस्तक है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के 20 सालों के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, जिसमें वो मुख्यमंत्री के रूप में और 12 साल उनके मुख्यमंत्री के रूप में और 8 साल उनके प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने अद्भुत काम किए हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों के लिए जो योजनाओं को लाने का काम किया है, भारत का मान सम्मान बढ़े, भारत शक्तिशाली हो, गौरवशाली हो, दुनिया के देशों में भारत की पहचान बढ़े, उसके लिए जो उन्होंने काम किए हैं उन सभी का अलग अलग लेखकों ने एक पुस्तक में अलग अलग लेख जो है उनके संकलन किए गए हैं। उसमें पुस्तक में शोभना कामिनेनी कहती है कि मोदी जी का कहना है कि अब यह केवल महिलाओं के विकास का समय नहीं है बल्कि महिलाओं के नेतृत्व का विकास का युग है, यानी कि हमारी मातृशक्ति के बारे में जो मोदी जी का विजन है, तथा साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी शक्ति के अंतर्गत उदाहरण स्वरूप 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक्स में महिलाओं द्वारा जीते गए ओलंपिक मेडल को भारत का गौरव बताते हुए इसे महिला अधिकारिता का नया व्याकरण बताया एवं शिक्षा का अधिकार, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना का भी उन्होंने बखूबी वर्णन उसमें किया है। भाइयों बहनों, में इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि हमारे बंशीधर जी को और उनके साथ एक सहयोगी जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं ये पुस्तक भी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं।
और ये पुस्तक मैं देना चाहता हूं। इस पुस्तक को देने का उद्देश्य यह है कि ये पुस्तक हमारे संपूर्ण शिक्षा विभाग में तो प्रचार की दृष्टि से नहीं बल्कि शिक्षा की दृष्टि से जरा आगे बढ़े, इसको हमारे बच्चों तक जाए, उनके अभिभावकों तक जाए। तो आज के कार्यक्रम में एक हमारी शिक्षा निदेशक, अच्छा आइए अजीत जी, आपको भाइयों बहनों, जहां आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर भी आप सब लोगों ने जो इस बार एक ऐतिहासिक काम किया है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ने का काम किया है। और पहले क्या होता था कि हर बार चुनाव होते थे और चुनाव में एक बार इस पार्टी की सरकार बन जाती थी, दूसरी बार चुनाव होता था दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती। पिछले चार चुनाव में लगातार यही होता रहा। इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके आगामी कार्यक्रमों पर, उनके विजन पर दृढ़ता से मोहर लगाकर एक नया इतिहास बना दिया और फिर से सरकार दोबारा से मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बना दी। भाइयों बहनों, हमने उस चुनाव से पहले कुछ संकल्प लिए थे कि हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प लेते हैं कि हमारी नई सरकार बनेगी तो देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में होंगे जहां समान नागरिक संहिता का कानून लाया जाएगा। और हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का निर्णय ले लिया था कि हम इसमें कमेटी का गठन करेंगे और हमने वो कमेटी बना दी। रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। वो कमेटी जनसंवाद करेगी, लोगों से राय लेगी, हितधारकों से मिलेगी, उनके सबके पक्ष जानेगी और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर हम एक कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों अनेकों काम हम लोग आज जन सहभागिता, जन संवाद उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसमें इस कड़ी में विचारों की श्रृंखला बोधिसत्व करने का भी निर्णय पिछली सरकार से लिया था और अब हमने बोधिसत्व कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। पिछली बार हमने बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से विचारों की श्रृंखला से सभी के हमने विचार लेने का काम किया। कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, किसी ने समाज के क्षेत्र में काम किया है। जो विशिष्टताएं जिन्होंने भी प्राप्त की हैं, जिन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, उनके अनुभव के आधार पर हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि प्रदेश कैसे हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, कैसे हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं आदर्श हो, उस दिशा में भाइयों बहनों हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे जितने भी संकल्प हैं उन संकल्पों को हम धरातल पर उतारेंगे। हमने सभी अधिकारियों की, सभी कर्मचारियों की समय से अपने अपने कार्यालयों पर जाना हो, ठीक प्रकार की कार्य संस्कृति, जो आज देश के अंदर एक वर्क कल्चर पैदा हुआ है और वो वर्क कल्चर पूरे देश के अंदर जारी है कि अब हम किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, चाहे हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवस्था का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, अगर हम काम करेंगे तो ही हम वहां पर टिके रहेंगे, तो ही हमको पहचान मिलेगी। अगर काम नहीं करेंगे तो हमको लंबे समय तक मान्यता और पहचान नहीं मिलने वाली है। ये मोदी कल्चर है, इस मोदी कल्चर में ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित हुई है। आज के अवसर पर चूंकि स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे जो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से समृद्ध राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से, किंतु उत्तराखंड के नौजवानों को व्यावसायिक शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण से वे उपलब्ध संसाधनों से पर्याप्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते थे और एनईपी 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ होने के फलस्वरूप पर्यटन, मत्स्य, फल उत्पादन, जड़ी बूटी उत्पादन, बागवानी, चाय की खेती, स्थानीय शिल्प आदि क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाने से
तो नई शिक्षा नीति को लेकर आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हुई। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई शिक्षा नीति को लेकर यहां पर बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। और आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। फिलहाल यह जानकारी आपको हम देहरादून से बता दें, जहां पर आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत यहां पर शुरुआत की है। तो सीएम धामी की ओर से विधिवत शुरुआत हुई और साथ ही अहम बातें यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। बाल वाटिकाओं का सीएम धामी ने उद्घाटन किया है। तो अब नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में लागू, और उत्तराखंड देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति लागू। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर कई अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की विधिवत यहां पर सीएम धामी ने शुरुआत की है। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर बाल वाटिकाओं का सीएम धामी ने उद्घाटन भी किया है और साथ ही नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ी बातें यहां पर पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें।